अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है जी जुम्मा, हैप्पी फ्राइडे ऑल, जुम्मा मुबारक। और ये ईद के बाद पहला जुम्मा है जी। एंड आज जो है मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। एक्चुअली कल हम लोग गए थे, मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर किया है प्रीवियस व्लॉग में। मम्मा का एक्सीडेंट हो गया एंड मॉम जो है गिर गई थी। हम लोग डिनर के लिए गए थे, ईद डिनर के लिए, तो मॉम गिर गई थी एंड मॉम की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो आज मैं और मदन लॉ जो है शाम को जा रहे हैं मम्मा की तरफ, क्योंकि मदन लॉ को भी मिलना है उनसे। और यस, मम्मा की थोड़ी ना एक्चुअली चोट आ गई है, मतलब ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी और कम भी नहीं कह सकते, बट यह है कि वो बाय मिस्टेक वहाँ पर रोड डिसबैलेंस हो रही थी, तो वो थोड़ा सा ना डिसबैलेंस की वजह से उनका वो एकदम पैर उनका कहीं लगा और वो गिर गई। बट फिर भी आज जो है मैं और मदन लॉ शाम में जा रहे हैं। हस्बैंड जी नमाज़ के लिए निकल गए हैं, उसके बाद आज हस्बैंड जो है काफ़ी लेट आएंगे क्योंकि उनको अपने काम से निकलना है। अब ईद हो गई है तो बैक टू द वर्क, वैसे तो डे वन से ही बैक टू द वर्क है, बट फिर भी कहते हैं ना कि अब प्रॉपर वाले जो है रूटीन चालू हो गई है, मतलब रूटीन स्टार्ट हो गई है हम लोगों की, हस्बैंड की अपने काम की, बिज़नेस की, और मेरी अब प्रॉपर कुकिंग शुकिंग एंड ऑल। बस वही 3 दिन की छुट्टी मिल गई, बस दैट्स इट। और हम लोग कब निकलेंगे ईद डिनर के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, वो पता नहीं है अभी कुछ भी, क्योंकि लगातार पार्टीज चल रही हैं। तो लेट्स सी किस दिन मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं ईद डिनर के लिए। हमारा ईद डिनर का व्लॉग अलग रहेगा इंशाल्लाह, तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आज जा रहे हैं जी मैं और मदन लॉ मम्मा की तरफ, क्योंकि मम्मा को देखने जाना है। सो प्लीज़ दुआ करना, अल्लाह पाक मेरी मम्मा को ठीक कर दे इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। और ईद डे 3 का आउटफिट आई होप आप लोगों को पसंद आया, उम्मीद करती हूँ। इसका सिर्फ एक पीस ही मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो यू कैन बुक इट। और यस, ईद डे 1 का जो है वो आप कितने ही बुकिंग्स ले, मतलब जिसको भी चाहिए जस्ट लेट मी नो, टेक्स्ट मी, ऑर्डर प्लेस करें, उसके पीसेस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो वो मैं अवेलेबल, मतलब वो आपको मैं डिस्पैच कर सकती हूँ। फिलहाल चलो चलते हैं, शावर लेंगे, क्लीनिंग लीनिंग डस्टिंग एंड ऑल, आप देख सकते हो फ़ौरन लगना है। और बस लंच में बना रही हूँ पुलाव, आलू मटर पुलाव एंड मसाला राइस, सॉरी मटर तो ख़त्म हो गया है, अब वो हस्बैंड लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मंगाकर मैं ना फ्रोज़न डाल देती हूँ उसको, तो मैं आराम से यूज़ कर लेती हूँ। तो आज बनाएंगे जी सिंपल वाला खाना, क्योंकि लगातार हैवी, ओ माय गॉड, कल भी काफ़ी हैवी हो गया था। सो यार, और हस्बैंड के फ्रेंड का है जी फंक्शन, सो कल से फंक्शन स्टार्ट है, तो हस्बैंड तो उधर लग जाएंगे, पूरा दिन उनको अपने काम में रहेगा और शाम में उनको अपने फ्रेंड की तरफ निकलना होगा। तो मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ नहीं जाती हूँ, लेट्स सी, मैं हो सकता है रिसेप्शन ही अटेंड करूँ, तो लेट्स सी। और रिसेप्शन पे मैं अपना न्यू आउटफिट पहनूंगी अपने क्लोजेट का, लग्जरी कलेक्शन, सो स्टे ट्यून अगर मैं जाती हूँ तो, और नहीं जाती हूँ तो लेट्स सी। क्योंकि अभी हम जो हस्बैंड्स हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी वाइफ, अगर सब लोग इकट्ठा जाएंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो अकेले तो यार पॉसिबल नहीं है, क्या करूँ, मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो हो सकता है मैं और मेरे फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी जो फ्रेंड है तूबा, उसके हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, तो हो सकता है कि तूबा और अगर खमर आते हैं तो फिर हम लोग साथ में एंजॉय कर लेंगे, और अगर तूबा नहीं आती है तो फिर इन केस लेट्स सी मैं भी स्किप कर दूंगी, वरना लेट्स सी, कंफर्मेशन कुछ अभी तक है नहीं, देखते हैं। सो या ब्लॉग बहुत, इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा शूट हो गया, चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। आज हम किचन में एंट्री ले रहे हैं और आज मैं बना रही हूँ लंच में, आज जो फ्राइडे, और मैं लंच बना रही हूँ आज मसाला राइस, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। और हस्बैंड तो आज नमाज़ के बाद ही अपने काम से निकल गए थे, क्योंकि 3 डेज़ का मतलब ऑफ भी रहा और नहीं भी, उनका तो रोज़ ही वर्किंग था, बट आज प्रॉपर रूटीन शुरू हो गया उनके बिज़नेस का, तो वो निकल गए अपने काम से। और मैं बनाने जा रही हूँ जी लंच, तो लंच आज मैं और मदन लॉ ही करेंगे अकेले, क्योंकि वो काम से निकल गए। और यहाँ मैंने बनाया अपने रूह अफ़ज़ा, अभी जब तक मेरी ये वाली बॉटल फिनिश नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं ये पीती रहूँगी, क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो रूह अफ़ज़ा बनाया मैंने ब्रेकफास्ट में, मतलब मैं ये ले लूँगी मिल्क शेक, और साथ ही बनाते हैं जी मसाला राइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया थोड़ी सी चिकन भी, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चिकन मसाला राइस ही बना लेते हैं, थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा यू नो। और साथ ही जी मैंने इसके अंदर जो मसाले ऐड करती हूँ, प्रीवियस वीडियो में कई बार शेयर कर दिए मसाला राइस की रेसिपी, तो इसीलिए साथ ही मैं डालूंगी थोड़े से पोटैटोज कट किए हुए, और बस थोड़ी देर में पुलाव हो जाएगा रेडी। पुलाव बोल लें, चिकन पुलाव बोल लें, चिकन मसाला राइस बोल लें, वट एवर यू वॉन्ट, बस मज़ेदार सा ही मसाला राइस, चिकन मसाला राइस रेडी हो जाएगा एंड देन हम लोग इन्जॉय करेंगे। चलो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा वाटर, फ्लेम कर देंगे जी मीडियम, और लेट करेंगे क्लोज, और इसको ढककर इस मसाले को हम कुक करेंगे फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, एंड देन ये राइस सोक कर लिए हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी एंड हमारा पुलाव, चिकन मसाला राइस या चिकन मसाला पुलाव रेडी हो जाएगा।
दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने राइस ऐड कर दिए हैं, और क्योंकि हम तीन लोग हैं और मैं वन टाइम का ही मील बना रही हूँ, डिनर का देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या मैं बनाती हूँ या कहीं बाहर खाते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो मैंने राइस ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसको लिड क्लोज़ कर दूँगी। वाटर जो है मैं देख लूँगी, इसको फ्लेम को मैंने मीडियम पर कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना अभी पानी थोड़ा सा डलेगा क्योंकि वाटर की कंसिस्टेंसी कम है, तो वाटर ऐड करके लिड क्लोज़ करके अब हम इसको दम लेंगे एंड देन ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। जी सो यहाँ पर फाइनल लुक है जी चिकन मसाला राइस की, ये मतलब चिकन मसाला पुलाव डन हो चुका है। अब मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ़ क्योंकि थोड़ा सा पानी है ये ना अपने आप इसका जो है, मैं लिड कवर करके इसके 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूंगी, ये ठीक हो जाएगा। सो या गाइस मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में लंच के बाद। और हस्बैंड की भी कॉल आई है, ही इज़ कमिंग अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी इन्जॉय कर पाएंगे चिकन मसाला राइस, चिकन मसाला पुलाव। तो या गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। यार किचन में से काम कर कर आओ ना तो रूम में ऐसा लगता है बेडरूम में सुकून, बस सुकून, बैठ जाओ लेट जाओ, इतनी गर्मी हो रही है यार। मेरा एसी बस या अल्लाह प्लीज़ अब बस लग जाए, 4 ईयर्स तो हो गए इसे रखे रखे, और मदर लॉ का लगा हुआ है आप देख सकते हो, वो रहा जी वो रहा, बट वो चला नहीं सकते क्योंकि वो बाहर रहती हैं। ओ गॉड प्लीज़ अब जल्दी से एसी लग जाए मेरे रूम में, मुझे सुकून हो जाएगा सच्ची। चले जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में शुक्र भेजना चाहिए क्योंकि जितना आप शुक्र करते हो उतना अल्लाह आपको और बेहतरीन नवाजता है। तो चलो हस्बैंड के आने में अभी 10-20 मिनट्स हैं, वो एक्चुअली किसी कस्टमर के पास हैं आई थिंक। तो बस अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़कर फिर इंशाल्लाह सब इकट्ठा लंच करेंगे एंड शाम को जाना है मम्मी की तरफ। सो या यहाँ पर मैं अपने थोड़ा सा आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, स्टे ट्यून बाय। अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया है और अभी मैंने मीठा लिया है, और हस्बैंड खाना खाकर निकल गए हैं क्योंकि उनको फिर से काम से निकलना था। मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और फिर मिलते हैं शाम को, रेडी होंगे, नया आउटफिट पहनूंगी आज भी, या देखो कौन सा पहनती हूँ अच्छी। मम्मा की तरफ जाना है तो या गाइस शाम को भी फिर। ओके जी सो मैं आराम कर रही हूँ, शाम को मिलती हूँ आप लोगों से। जी सो जस्ट अभी आँख खुली है, मैं सर भी पढ़ ली थी उठकर, मगरिब की नमाज़ के लिए जा रही थी, तो मैं उड़ गई हूँ। बस अब रेडी होंगे, मम्मी के यहाँ के लिए निकलेंगे, हस्बैंड तो आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, खाना खाने आए थे, खाना खाकर फिर चले गए थे लंच कर। अब जो है बस आज तो बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं, वाला उनको खूब कामयाब करे बस इंशाल्लाह अमीन से मामीन। तो चले मैं रेडी होती हूँ, कपड़े मैंने चूज़ कर लिए हैं, मैं इनकी बर्थडे वाला ड्रेस ही पहन कर जा रही हूँ आज, दिखाती हूँ फिर। तो यस मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस, इनकी बर्थडे पे मैंने वेयर किया था, आप लोगों को अगर याद हो तो। चलो पहनते हैं ये ड्रेस और चलते हैं। तो जा रहे हैं हम लोग मम्मा की तरफ, मैं और मदल्ला दोनों, मदल्ला गेट लगा रही है, लेट्स गो। तो आ गए हम लोग घर, मदल्ला रास्ते में है, मतलब हाँ मम्मी ऊपर है, चले आप चले आ जाना। तो हम लोग आ गए घर, जा रहे हैं ऊपर, मम्मा ऊपर ही हैं। ओके जी सो आ गए घर पर अल्हम्दुलिल्लाह, मम्मा मम्मी कैसी हैं रख पहले सब लोग सो रहे हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। मतलब पढ़ी है नमाज अभी, और अर्सल इधर आइए, हम लोग मम्मा को देखने आए क्योंकि मम्मा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी कल। अशु इधर आइए, वाटरमेलन खाई जा रही है अकेले अकेले, वाटरमेलन क्योंकि मदनलॉ का फेवरेट है, तो सबसे पहले यही कट करवा लिया है हमने, और अब हम ये खाने जा रहे हैं, उसके बाद बाकी का जो है स्टार्टर्स एंड विनर डिनर वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे अभी। और अर्सल भी खाएगा साथ में, अर्सल आप खाओगे ना? यस फोक उठा रहे हैं अर्सल अपना, बस बना गए हैं अभी। रहा है फ्राई, चिकन फ्राई हो रहा है जी इधर, हमने सारी प्रिपरेशन सुबह से ही कर रखी थी आज की डिनर की, तो हमें पता भी नहीं था, सरप्राइजली यहाँ पर हो रहा है चिकन फ्राई। चले जाओ दी भाई के पास बेटा, रो क्यों रहे हो?
तो छुड़वा दो फिर अभी आ रहा है। तो जी डिनर लगना स्टार्ट हो गया है और सबसे फेवरेट तो मेरा फ्राइड चिकन, दही फुल्की, बिरयानी, चिकन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, अभी सब एंजॉय करेंगे हम लोग। चिकन काली मिर्च, रेड वाला चिकन है, दही फुल्की, फ्राई चिकन, चिकन काली मिर्च एंड रेड चिकन, बिरयानी, रेड चिकन। यहाँ बन गई है जी प्लेट फ्राइड चिकन के साथ। कौन सी वाली आइसक्रीम है ये? मैंगो एंड वनीला। खाना लगाया ना तो रोटी पापा नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली वॉइस बताओ ना, ये तो अभी उन्होंने अपने टोन में बताया। तो जी आ गई है जी आइसक्रीम। चले जी, सो हस्बैंड जो है मदर इन लॉ के लेकर जा रहे हैं, मैं भी थोड़ी लेट जाऊंगी। क्या कर रहे हो आप चुनचुन? आप क्या कर रहे हो चुनचुन? वाओ, नो नो, व्हाट आर यू डूइंग अशु? तो आती है ये, आपको किसने सिखाई? डन विद द वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।